गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था जिसमें हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इस टाइप पर थे। ठीक है, जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर आता है। हमने इसके बारे में जान लिया था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसी मिनिस्ट्री के अंडर में इस्टेब्लिश होते हैं, या मिनिस्ट्री को या किसी मिनिस्ट्री के किसी डिपार्टमेंट को अगर एक्सटेंड किया जाए, उसका एक्सटेंशन किया जाए, तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स को हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कहेंगे। ये क्लियर है सबको? हमने इससे पहले इसके फीचर्स देख लिए थे, ठीक है, जैसे कि फंडिंग गवर्नमेंट करती है इसकी, चाहे वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉइज गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, है ना, और इनका ऑडिट भी होता है, और इनके जो भी डिवीजन या सब डिवीजन होते हैं डिपार्टमेंट्स के, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इनका जो चीफ होता है, हेड होता है डिपार्टमेंट का, वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है, और ये अकाउंटेबल होते हैं डायरेक्ट मिनिस्ट्री को, यानी ये अपनी परफॉर्मेंस ये मिनिस्ट्री को बताते हैं, जिम्मेदार होते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आते हैं, जैसे कि रेलवे, पोस्टल डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं। अब देखते हैं इनके मेरिट्स, इनके फायदे क्या हैं, कि गवर्नमेंट क्यों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ओपन करती है, एस्टेब्लिश करती है। नंबर वन, दीज अंडरटेकिंग्स फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस। सबसे खास बात इसकी ये है कि पार्लियामेंट जो है ये इसके फंक्शंस को कंट्रोल करती है और फंक्शंस को बनाती है, रूल रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है, पार्लियामेंट में इनको एस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि ये एक मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं और जो भी कंसर्न मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन करके इनके रूल्स रेगुलेशंस को बनाते हैं। तो ये किसकी खास बात ये है, ठीक है, ये अच्छी बात है। दीज एंश्योर ए हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इनकी एक सबसे खास बात यह है, अच्छी बात यह है कि ये इनकी जिम्मेदारी पब्लिक के लिए सबसे ज्यादा होती है, यानी कि ये पब्लिक सर्विस करते हैं, पब्लिक को फैसिलिटीज देते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने देखा रेलवेज, ये हम रेलवे की बात करते हैं, रेलवे का काम क्या है, लोगों को बेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना, बेटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना, तो ये हाई डिग्री की इनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। नेक्स्ट, द रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी एंड हेंस इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। ये खास बात यह है कि इनकी जो इनकम होती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाती है, ठीक है, तो जो भी इनकी इनकम्स हैं वो सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, ट्रेजरी में डायरेक्ट चली जाती है, जो गवर्नमेंट का अर्निंग सोर्स होता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की अर्निंग का ये खास सोर्स होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। द नेक्स्ट, वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, दिस इज फ्रॉम द मोस्ट सुटेबल सिंस इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात देखें तो ये इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री के सुपरविजन में होते हैं, तो इनको इजीली कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की हैं। क्या क्या देखिए आपने, कि पार्लियामेंट इसके रूल रेगुलेशन बनाती है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो प्रॉपर डिस्कशन, पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद ही बनते हैं। हाई डिग्री की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि पब्लिक के लिए ये एस्टेब्लिश होते हैं, तो पब्लिक सर्विस इनका मेन मोटो होता है। रेवेन्यू, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू अर्न करने का एक बहुत अच्छा मोड है ये,
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, और जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो ये मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं और सुपरविजन में होते हैं, तो ये मिनिस्ट्री के लिए बेनिफिशियल ही होते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं लिमिटेशंस की। इनमें कुछ कमियां भी हैं। अब कमियां क्या हैं? नंबर वन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो हैं, इनके इनमें ये कमी होती है कि इनके जो रूल रेगुलेशन है वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो स्ट्रेट होते हैं, टफ होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। रीजन कि जब भी रूल रेगुलेशन चेंज करने होंगे तो वो पार्लियामेंट में डिस्कशन के साथ ही वो चेंज हो सकते हैं जो इनके मेन ऑपरेशंस हैं, तो इनको इजीली जो भी इनके रूल्स हैं उनको नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ये भी एक लिमिटेशन है कि बिना पार्लियामेंट सेशन के इनको चेंज नहीं कर सकते। द एम्प्लॉइज आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड सच अंडरटेकिंग्स आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न। इसमें एक और ये भी कमी है कि ये इनमें ऑटोनॉमी नहीं होती। ठीक है, तो मतलब ये अपने रूल रेगुलेशन खुद नहीं बना सकते, हमेशा मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स का इंतजार करते रहते हैं, वहां से अप्रूवल मिलेगा तो ही कुछ काम होगा। तो ये तो इससे क्या होता है कि जो डिसीजंस हैं, मैटर्स हैं, वो डिले हो जाते हैं, तो प्रॉपर डिसीजन नहीं हो पाता। ये लिमिटेशन है। दीज एंटरप्राइजेस आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो हैं ये पब्लिक सर्विस के लिए बनाई गई हैं, तो इनकी एक सबसे बड़ी कमी ये है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये नहीं लेते, यानी प्रॉफिट अर्न करते नहीं है। प्रॉफिट अर्न करने का अगर ये प्लान करें तो फिर सर्विस मोटो जो है वो हट जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी कमी है कि ये इनका मेन मोटो जो है प्रॉफिट अर्निंग का वो जो है वो पूरा नहीं हो पाता, जो बिजनेस की एक फीचर है, तो बिजनेस के लिहाज से ये ठीक नहीं है। देयर इज ए रेड टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशंस एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो डे टू डे इनकी एक्टिविटीज हैं उन पर डायरेक्ट एक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कारण क्या है कि जो भी क्वेरीज हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉपर चैनल से ही जाएंगी, और इनका चैनल नॉर्मली बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो डायरेक्ट बात वहां तक नहीं पहुंच पाती। ये इसमें थोड़ी सी कमी है। दिस इज ए लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। इनमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है, यानी कि मिनिस्ट्रियल, क्योंकि मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं तो अपोजिशन वाले भी बहुत होते हैं, वो उसको वहाँ की पॉलिसीज को उनको अपोज करते हैं, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है इसमें, तो उनको फ्री हैंड नहीं मिल पाता काम के लिए। नेक्स्ट, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली इंटेंसिव टू कंज्यूमर नीड एंड डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विस टू देम। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कंज्यूमर्स नीड को तो पूरा करते हैं, लेकिन क्योंकि वो इतने बड़े एरिया में जो उनकी नीड है, या ये जो एस्टेब्लिश किए इतने बड़े डिपार्टमेंट के लिए, इतनी बड़ी पब्लिक के लिए इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो ये प्रॉपरली उनको हैंडल नहीं कर पाते। जैसे कि आप रेलवे की ही बात करिए, रेलवे का काम बेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन देखिए कई बार प्रॉब्लम क्योंकि इतना बड़ा एरिया है कि उसमें वो कभी ट्रेन्स लेट चल रही हैं, कभी वो टिकट के रेट्स बढ़ रहे हैं, या बिना टिकट के या भीड़ ज़्यादा चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो अच्छी सर्विस नहीं मिल पा रही है उनको, कभी कैटरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कभी सर्विस की प्रॉब्लम, कभी सिक्योरिटी इशू है, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये कंट्रोल में नहीं ला पाते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों डिस्कस कर लिए। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।